ये प्रिंसेस लूना और प्रिंसेस सेलेस्टिया के बारे में है। वो गायब है। मैं बदल गया हूँ, तुम्हें याद नहीं? तुम अपनी जीब्रा दोस्त से क्यों नहीं पूछ लेती? आप इस पोशन का रंग बैंगनी से सफेद कर सकती हैं। आप समझ जाएंगी कि क्यों होता है दिन और क्यों होती है रात। प्रिंसेस लूना, इक्वेस्ट्रिया में सिर्फ एक ही प्रिंसेस हो सकती है और वो प्रिंसेस होगी मैं। लड़ना नहीं चाहती, तुम्हें चांद उतार लेना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लूना, मैं हूँ नाइटमेयर मून और मेरी बस एक ही शाही जिम्मेदारी है, तुम दोनों को खत्म करना। और तुम बचकर कहाँ जाओगी? नहीं, लूना ऐसा क्यों करेगी और वो भी इस वक्त? आप ठीक तो हैं? आप ठीक है ना प्रिंसेस सेलेस्टिया? ओ प्यारी बहन, मुझे माफ करना, पर तुमने मेरे पास कोई और चारा नहीं छोड़ा सिवाय इसे इस्तेमाल करने के। क्या वो एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी है? पर ये ऐसे दिखते थे पुराने जमाने में। ये वो रात है जब सेलेस्टिया ने उसे कैद किया था। वो बस तुम कुछ बड़बड़ा रही थी। ओ, और हाँ, तुम लगातार रोई भी जा रही थी, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। शायद मैं अकेला ऐसा हूँ जिसे मजा आया, ये किसी एक पोनी वाले थिएटर जैसा था। शहर शहर जाकर इसे दिखाना चाहिए हमें। पता चला हमें किसकी अक्ल ठिकाने लगानी है और वो हमें कहाँ मिलेगा? मैंने कुछ बहुत ही पुराना देखा, पर
उसे ये पता नहीं चला कि इस वक्त ये क्या हो रहा है। शायद उसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी तलाश तुम्हें करनी होगी। इस काढ़े का घूंट पीने पर तुम्हें जवाब मिल जाएगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? ओह, उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो कोई गाना भी गाएगी। ये कितना मजेदार है। पोनी की पूंछ लगने वाले खेल के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे खेलने का वक्त खत्म हुआ डिस्कॉर्ड। मुझे ऐसा नहीं लगता। भूख लगी है? जैसा तुम चाहो। वो क्या है? ये है एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी। उनके साथ हम तुम्हें भी हरा देंगे। उसी वक्त उन्होंने डिस्कॉर्ड को एक पत्थर में कैद किया होगा। काश तुम इस वक्त खुद को देख पाती। तुम्हारा चेहरा कितना सीरियस है। तुम्हें खुद पर कितना भरोसा है ना? मजेदार। हार्मनी का पेड़। हार्मनी का पेड़। मेरा क्यों टीमार्क? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हमने वो इकलौती तारीख ढूंढ ली है जिसकी मदद से हम डिस्कॉर्ड को हरा कर इक्वेस्ट्रिया के लोगों को आजाद कर सकते हैं। एलिमेंट्स के बिना भी हार्मनी के पेड़ में बहुत ताकतवर जादू रहेगा। और जब तक ये जादू जिंदा है, ये उस हर चीज को अपने काबू में रखेगा जो इस जगह मौजूद है। तो तुम्हें क्या मिला? अभी भी पता नहीं चला कि प्रिंसेस लूना और प्रिंसेस सेलेस्टिया को क्या हुआ है, पर शायद ये पता चल गया है कि एवरफ्री फॉरेस्ट इस तरह क्यों बढ़ रहा है। हार्मनी के पेड़ को कुछ हो गया है। क्या कहा? किस चीज के पेड़ को? जिस पेड़ पर प्रिंसेस सेलेस्टिया और प्रिंसेस लूना को एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी मिले थे, शायद वो खतरे में है। तो ठीक है, चलो चलकर बचाते हैं एक पेड़ को। और वो आखिर है कहाँ पर? मेरे ख्याल से वो वहाँ है। मुझे और पॉपकॉर्न्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे वो कल ही की बात है जब हम इस जंगल में एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी की तलाश में निकले थे। कल की ही बात है, मुझे लग रहा था कि मुझे अकेले ही उनके पीछे जाना चाहिए। मैं नहीं जानती वहाँ अंदर हमारा सामना किससे होगा, पर वो जो भी हो, हम सबको मिलकर उसका सामना करना है। हाँ। पार करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। बाल बाल बचे। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे बस समझ नहीं आ रहा है नए पंखों से मैं वो सब कैसे करवाऊं जो मैं करवाना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ दिनों में समझ आ जाएगा। पर मेरे पास ज्यादा दिन नहीं है। तुम्हें इनकी वजह से काफी मुसीबत झेलनी पड़ रही है, और पता नहीं आगे हमारा सामना किससे होगा। वैसे मुझे लगता है क्यों ना हम ट्वाइलाइट को वापस पोनीविल भेजकर उसके बिना ही हम हार्मनी के पेड़ की तलाश करें। क्या? क्यों? सबसे पहली बात तो ये, तुम अभी अभी क्रोकोडाइल से बची हो। हम सब, वो सिर्फ मेरे पीछे नहीं पड़ा था। हाँ, पर वेल, हम में से कोई भी प्रिंसेस नहीं है ना? हाँ, पर उससे क्या फर्क पड़ता है?
प्रिंसेस सेलेस्टिया और प्रिंसेस लूना गायब है और तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे नहीं लगता इक्वेस्ट्रिया इस वक्त एक और प्रिंसेस खो सकता है। एपल जैक की बात में दम है। अगर हम हामनी के पेड़ को बचा भी लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंसेस सेलेस्टिया और प्रिंसेस लूना वापस लौट आएंगी। इक्वेस्ट्रिया को सही राह दिखाने वाली पोनी की जरूरत है। पर हारमनी का पेड़ सिर्फ मैं जानती हूँ कि वो असल में कैसा दिखता है। बड़ा सा पेड़ जिसके तने पर क्यूटी मार्क्स होंगे, जिस पर किसी खतरनाक चीज ने कभी हमला किया होगा। मुझे लगता है हम उसे देखते ही पहचान जाएंगे। क्या तुम सबको यही लगता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। डिस्कॉर्ड। तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा पेड़ अभी तक नहीं मिला। हम सब एक मुसीबत का सामना कर रहे थे और फिर मेरे दोस्तों ने तय किया कि बेहतर होगा कि मैं पोनीविल वापस लौटाऊं। अगर प्रिंसेस सेलेस्टिया और प्रिंसेस लूना वापस नहीं आई तो इक्वेस्ट्रिया को मेरी जरूरत होगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने उनकी बात मान ली। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम उस तरह की पोनीज में से हो जिन्हें ये लगता है कि बाकी पोनीज से वो बेहतर हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी पोनी से बेहतर हूँ। ओ, मैं कितना ना समझ हूँ जो मान लिया कि तुम ऐसा सोचती होगी। तुमने तो बस प्रिंसेस होने के नाते खुद को खतरों से दूर रखा है, जबकि तुम्हारी सारी दोस्त खतरों का सामना करने जा रही हैं। मुझे यकीन है तुम सब वापस अच्छी दोस्त बन जाओगी जब वो लोग डरावने और एक दूसरे को और करीब लाने वाले सफर से लौटेंगी तुम्हारे बिना। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? मुझे वापस आने के लिए कभी राजी होना ही नहीं चाहिए था। कम ऑन ट्वाइलाइट, डिस्कॉर्ड भले ही बदल गया है पर वो इतना भी नहीं सुधरा है। वो बस तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। वेल, ये काम कर रहा है। क्या किसी और को भी लग रहा है कि इसका कोई फायदा नहीं? हम लगभग लूना और सेलेस्टिया के पुराने महल तक पहुंच गए हैं। हो सकता है उस अजीब से काढ़े को पीने से ट्वाइलाइट ने जो कुछ देखा वो सही ना हो। हो सकता है हार्मनी ट्री जैसा कुछ है ही नहीं। हो सकता है वो वहाँ नीचे हो। ऐसा नहीं हो सकता। हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? सीढ़ियों से आओ सिली। क्या हम पहुंच गए? मैं नहीं जानती हम कहाँ हैं। हम खो गए हैं। अपने दोस्तों को छोड़कर मुझे नहीं आना चाहिए था। हम हार नहीं मान सकते। शायद मैं वहाँ ऊपर चढ़ जाऊँ तो उन्हें देख पाऊंगा। तो ये लोग यहाँ पर हैं। ट्वाइलाइट। ये मर रहा है। तो चलो इसे बचाते हैं। अच्छी कोशिश थी। तुम दोनों की ही कोशिश काफी अच्छी थी, पर पेड़ अभी भी खतरे में है और तुम्हारे पास जरूर कोई बेहतर आइडिया होगा। मुझे भी यही लगा था। शायद मैं जानती हूँ कौन मदद कर सकता है, पर हमने उसे घर भेज दिया। ये तुम्हारा आइडिया था एप्पल जैक। हम सब ने साथ मिलकर तय किया था रेनबो डैश। हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। ओ, 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 ट्वाइलाइट, मुसीबत, मदद करो। सुन लो भयानक राक्षस कहीं के, अगर लोगे पंगा तो हो जाएगा दंगा। यहाँ ऊपर आओ और मुझे पकड़ो। मुझे मत भूलना। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई ट्वाइलाइट। मुझे भी खुशी है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। सच तो ये है ट्वाइलाइट,
हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। हाँ, एक्वेस्ट्रिया को भले ही उसकी प्रिंसेस की जरूरत हो, पर हमें हमारी दोस्त की जरूरत है। मैं जानती हूँ इस पेड़ को कैसे बचा सकते हैं। हमें इसे अपने एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी देने होंगे। अरे अरे, एक मिनट एक मिनट, तो फिर हम एक्वेस्ट्रिया को कैसे बचाएंगे? हम डिस्कॉर्ड को कैसे संभालेंगे अगर उसे वापस पत्थर में बदलने के लिए एलिमेंट्स ही नहीं होंगे? ट्वाइलाइट, ये एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी यही तो एक चीज है जो हमें आपस में जोड़े रखती है। तुमने एक बात बिल्कुल सही कही एप्पलजैक, एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी जरूर हमें एक साथ लाए हैं, पर हम सिर्फ इन एलिमेंट्स की वजह से एक दूसरे के साथ नहीं है। इसकी वजह है हमारी दोस्ती, और ये किसी भी जादू से कई ज्यादा ताकतवर है। माना कि इक्वेस्ट्रिया में नए रोल का मतलब होगा नई जिम्मेदारियां भी, और हमारी दोस्ती की कड़ी परीक्षा ली जाएगी, पर कोई भी परीक्षा अब इसे नहीं तोड़ पाएगी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सब लोग तैयार हो? तैयार। हम जानते हैं एलिमेंट्स को वापस करना तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा। उन्हें किसी को देने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। छह ताले, छह चाबियां। मैं नहीं जानती कि वो कहां है, पर मैं ये जानती हूं कि इस पहेली को तुम अकेले नहीं सुलझाओगी। शाबाश लेडीज, शाबाश। इस बार कैसे तुमने सबको बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला अपने जादुई नेकलेस की मदद से। हाँ, मैंने सही कहा ना? तुम्हारे वो प्यारे गहने कहाँ हैं? यू नो, वही जिनकी मदद से तुम मुझे वापस उस पत्थर में कैद कर सकती हो। बोलो ना। हाँ, वो चले गए। चले गए? चले गए। पर हमारी दोस्त सही सलामत है। अगर तुम हमारे दोस्त बने रहना चाहते हो तो तुम ये उल्टे सीधे काम छोड़कर सफाई में हमारी मदद करोगे। ठीक है, पर मैं खिड़कियाँ साफ नहीं करूँगा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये सब कुछ अभी क्यों हो रहा है? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने जो बीज बोए थे उन्हें तो कब का खिल जाना चाहिए था। क्या कहा तुमने? ओह, मैं तुम्हें समझाने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ जब सब कुछ तुम्हारे सामने है। अब तुम्हारे खेलने का वक्त खत्म हुआ डिस्कॉर्ड। मुझे ऐसा नहीं लगता। भूख लगी है?
जाहिर है सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। मेरे प्लंडर सीड्स को हजारों साल पहले हामनी के पेड़ के जादू को सुखोकर प्रिंसेस सेलेस्टिया और प्रिंसेस लूना को कैद करवा लेना चाहिए था। ऐसा लगा था कि पेड़ के पास इन बीजों को बड़ा और ताकतवर बनाने से रोकने की भी ताकत है, जो कि दिखाई दे रहा है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है ये जानकारी हमारे लिए कितने काम की हो सकती थी? मैं तुम्हें ये बता देता तो तुम प्रिंसेस होने के बारे में ये कीमती सबक कैसे सीखती? कोई दोस्त भला ये कैसे कर सकता है? इक्वेस्ट्रिया के नागरिकों, आज भारी मन से नहीं बल्कि बहुत ही खुशी से मैं गर्मियों का सूरज उगा रही हूँ, क्योंकि अब से ये जश्न नाइटमेयर मून की हार का नहीं बल्कि मेरी बहन प्रिंसेस लूना के वापस लौटने की खुशी में मनाया जाएगा।